अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपका मेजबान आसिफ खान। क्या आने वाले नए सीजन में मंगोल सीरीज में शामिल होंगे और इसके साथ साथ क्या गेहातु भी दोबारा सीरीज में शामिल होगा? क्या तीसरे सीजन में तारीखी किरदार कोशीमियाल की एंट्री करवाई जा रही है? इसके अलावा क्या तीसरे सीजन में उस्मान भी सलजोक सल्तनत का एक अहम कमांडर बनकर सामने आएगा? तीसरा सीजन कब शुरू होगा और उसका पहला ट्रेलर कब जारी किया जाएगा? तो इन तमाम सवालों के जवाब के अलावा और भी बहुत कुछ, तो इसके लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। मगर इससे पहले आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सबसे पहले बात करते हैं कि क्या तीसरे सीजन में उस्मान भी सलजोक सल्तनत का एक अहम कमांडर बनकर सामने आएगा? तो इसका जवाब है जी हाँ, ऐसा हो सकता है। क्योंकि अगर आपको दूसरे सीजन की आखिरी किस्त याद हो तो जिसमें सुल्तान मसूद अपनी फौज के साथ कमांडर दुकास और आयनकुल्ला के खिलाफ लड़ने के लिए उस्मान बे की हिमायत करने के लिए आया, लेकिन जब वहाँ सुल्तान मसूद पहुँचते हैं तो पीछे से खबर आती है कि कोनिया पर हमला होने वाला है। तो इस वजह से सुल्तान मसूद वापस चले जाते हैं और अपने फौजी इख्तियार उस्मान बे के हवाले कर देते हैं। तो इसके बाद आपने देखा कि उस्मान बे ने उस जंग में अहम कामयाबी हासिल की और उसमें कमांडर दुकास मारा गया। तो हमारे नतीजे के मुताबिक उस्मान बे सलजोक फौज को कंट्रोल करने और उस जंग में बड़ी फतह हासिल करने के बाद शोहरत और पोजीशन के लिहाज से एनातोलिया में और भी मजबूत हो जाएगा। तो इस तरह इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए कहा जा सकता है कि उस्मान बे तीसरे सीजन में एक अहम कमांडर की हैसियत से सामने आ सकते हैं। इसके बारे में आपको क्या लगता है कॉमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अब बात करते हैं कि क्या तीसरे सीजन में मंगोल शामिल होंगे और इसके साथ साथ क्या गेहातु भी सीरीज में शामिल होगा? तो इसके बारे में आपको बता दें कि मंगोल जो सीरीज में एक अहम जोश खरोश पैदा करते हैं वो एक बार फिर सीजन 3 में शामिल होंगे। लेकिन यहाँ पर सबसे अहम सवाल ये है कि क्या गेहातु भी दोबारा सीरीज में शामिल होगा? तो हमारे नतीजे के मुताबिक गेहातु अब दोबारा सीरीज में शामिल नहीं होगा, बल्कि इसके कमांडर ही सीरीज में जारी रहेंगे। क्योंकि तारीखी ज़रिए से हासिल करदा मालूम के मुताबिक जब गेहातु एनातोलिया से मंगोलिया जाता है तो वो दोबारा एनातोलिया वापस नहीं आता, बल्कि उसके कमांडर ही एनातोलिया में उसके काम सर अंजाम देते हैं। हमारे नतीजे के मुताबिक आने वाले नए सीजन में मंगोल गवर्नर आर्गोचो के मरने के बाद नोयान का दूसरा बेटा मतलब तोगाई का दूसरा भाई सीरीज में शामिल हो सकता है, क्योंकि इसके बारे में तोगाई एक किस्म में बात कर चुका था कि वो दो भाई हैं। तो फिर अगर ऐसा होता है तो तोगाई के भाई का किरदार कौन निभाएगा? हमारे तजिए के मुताबिक सरहद कलीची इस किरदार को पेश करेंगे, क्योंकि तुर्किश मीडिया के मुताबिक सरहद कलीची एक मंगोल के किरदार के लिए कास्ट किए गए हैं। क्या तीसरे सीजन में तारीखी किरदार कोशीमियाल की एंट्री करवाई जाएगी? हमारे तजिए और रिसर्च के मुताबिक इस तारीखी किरदार की एंट्री करवाई जाएगी और इसके लिए तुर्किश एक्टर राजगार ऑक्सोय का नाम सामने आया है। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। चलिए अब आपको बताते हैं कि तीसरे सीजन का पहला ट्रेलर कब जारी किया जाएगा। देखें, पिछले साल दूसरे सीजन का पहला ट्रेलर 18 सितंबर बरोज जुमे को नशर किया गया था, तो गालबन तीसरे सीजन का ट्रेलर भी इसी डेट के मुताबिक नशर किया जा सकता है। जबकि तीसरे सीजन की पहली किस्त तुर्किश मीडिया के मुताबिक 20 अक्टूबर से लेकर 3 नवंबर तक रिलीज की जा सकती है। जी दोस्तों, आज की वीडियो बस यहीं तक थी, उम्मीद आपको पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो आप तक बरवक्त नहीं पहुंच रही तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर दें ताकि हर आने वाली नई अपडेट आप तक बरवक्त पहुंचती रहे। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर कर दें। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह।